हर बार की तरह शॉर्ट नोटिस से बड़ी गिनती तुसी पहुँचते हो, बहुत बहुत मेहरबानी। आज दे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दो तीन गंभीर विषय ने। कैप्टन साहब की एक इंटरव्यू आई है किसी प्राइवेट चैनल पर, वैब चैनल पर, उस ने कहा है कि मैं पाकिस्तान चो फोन आते कि सिद्धू साहब न कैबिनेट दे रखा जाए, और कैप्टन साहब खुद हर गल तो कहते रहते हैं बॉर्डर स्टेट है, ड्रोन आते ने, टिफिन बम मिलते ने, इत्थे कोई इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए, मजबूत सरकार चाहिए है। तो कैप्टन साहब ने यह गल इन्ना चिर लुको के क्यों रखी? तो ऑलमोस्ट कैप्टन साहब ने उन्होंने गल मान भी ली सी, क्योंकि बिजली मंत्रालय उन्होंने ऑफर करता सी। इहदा मतलब पाकिस्तान के कहते कैप्टन साहब पंजाब की कैबिनेट मिनिस्ट्री देंदे सी। कैबिनेट मिनिस्ट्री नहीं कली, कैप्टन साहब शायद ये कहना भुल गए, डीजीपी भी पाकिस्तान के कहते लाया सी, चीफ सैकटरी भी पाकिस्तान के कहते, पाकिस्तान तो घरे रहिंदा सी, कंधे परले तो पास का पाकिस्तान सी इन्होंने। तो ये किहड़े मूंह नाल कह रहे ने हुण के असी सिर्फ मैं ही हाँ जिहड़ा वो बचा सकदा सूबे नूं, ये पंजाब के माहौल नूं खराब करन दी कोशिश कर रहे हैं, होर इन्हां नूं कुछ बचिया नहीं, ये हुण बस नफरत की राजनीति कर रहे हैं। कैप्टन साहब ये दसण कि चीकू ते सीता फल किहदे कहते लगे सी, उहदी चिंता किहनू सी कि चीकू का की हाल है, सीताफल का की हाल है। आईएएस अफसर लाए सी, उसको भेज दो ना, चेक करवा लो ना कैसे वो सीताफल कैसे चल रहे हैं, हद है यार। तो तुसी कह रहे हो मेरे बारे, कैप्टन साहब कह रहे ने कमेडियन की लोड़ नहीं हैगी पंजाब में, तकड़ा सीएम चाहिए। कैप्टन साहब का आपका भाषण है संगरूर, केवल ढिलों के कागज दफ जो करा गए सी, कहते भी बहुत तगड़ा उम्मीदवार है इतने भगवंत मान, मैं बार बार आना पऊ, उदो मैं तगड़ा सी। कैप्टन साहब तुसीं तां गए नहीं, खैर तुहाडा रिकॉर्ड नहीं हैगा उत्थे जाण दा, तुसीं संविधानक संस्थावां दा पता नहीं सन्मान नहीं करते। कैप्टन साहब की सब तो वर्स्ट हाजरी सी एम पी तौर पर, 6% पूरे देश चो सब तो घट जाते ही नहीं सी उत्थे, जे जाते नहीं सी तो कोई गल नहीं, तुसी जी नूं कमेडियन कहने हो, ये पंजाब दे विच कैंसर दे मुद्दे उठा रहा सी, ये पंजाब दे किसानां दीआं खुदकुशियां दे मुद्दे उठा रहा सी, ये पंजाब दे पानी की चिंता कर रहा सी जिहड़ा थल्ले जा रहा 200 फुट ते 500 फुट ते चला गया, जिहनूं तुसी कमेडियन कहने हो, वो उत्थे पंजाब दे धरनिआं दी लाठीचार्जां दी गल कर रहे सी। बस इन्हों तो आम घर का मुंडा जरिया नहीं जाता, बस कि असी भी बनते हों, होर क्यों आ गया? कैप्टन साहब पब्लिक है, लोग है, तुसी लोगों ने जो धोखा किया उहदा थोनू फल जरूर मिलेगा, मिल भी रहा है। 4.5 साल तुसी बैठे रहे, हुण तुसी कहने हो हैलीकॉप्टर ते जदों मैं जा रहा सी मैं थले ट्रक देखे, जदों मैं उतरिया फिर मैं क्या अफसर ने की देने, कहते वो चन्नी का नाँ सी, कहते फिर मैं सोनिया गांधी ने मैं पूछा कि इदा करके सैंड माइनिंग है, कह हाँ जी तू तो कार्रवाई करो, तो कैप्टन साहब कहते मैं किते किते करा, ये तो सारे ही ने, तुसी पंजाब नूं ऐ लुट रहे हो। मैं कांग्रेस की छवि बचाने वास्ते कार्रवाई नहीं कर सकिया, कमाल है, पंजाब नूं दाँ ते ला दोगे, पंजाब के लोगों की जिंदगी दाँ ते ला दोगे, कांग्रेस बचानी है। देखो कैप्टन साहब का
असली चेहरा बाहर आया। अगला बहुत मशहूर शेर है, सरहद पर तनाव है क्या, पता करो देश में चुनाव है क्या। तनाव तो चुनाव इकट्ठे चलाते हैं। असं तुम्हें पहले भी कहते रहे कि बहुत सारिया इस तरह दटनावान हो जिमें पटियाले हुई घटना, पहले दरबार साहब का अमृतसर साहब विखे जंगला टप्पण की कोशिश की गई, हूँ पटियाले काली माता के मंदिर के कोशिश की गई। इन्हें मास्टर माइंड कौन ने? मास्टर माइंड कोई होर ने, भेजे गए बंदे होर ने। जे कि 2015 के बरगाड़ी वाली घटना से सख्त कार्रवाई होंगी, मास्टर माइंड अंदर होंगे, मिसाली सज़ा होंगी, फिर यह जी हिम्मत नहीं पैनी सी कि दोबारा कोई किसी भी धार्मिक ग्रंथ की बेअदबी कर दे। निंदा करते हैं सख्त शब्दों के, अमन अमान रहना चाहिए सूबे च, और अमन अमान तार रहेगा जे मजबूत सरकार आऊगी। तीजा कल नवजोत सिंह सिद्धू पत्रकार सामने बैठे सी, उन्होंने इशू ही होर ने, हुण वह कहिंदे भी फोन घट आए ने दस्से वध ने। भाई तुसी कांग्रेस तो करा लो आपदा, तुसी अपना करा लो सर्वे। मार्गेट अलवा का बेटे बेटे ने एक खास ने राहुल गांधी ट्विटर से एक पोलिंग करवाई, 1209 वोटा पईआं, उह चों भी कहिंदे 70% चन्नी है। वो भाई साडे वाले च लखां वोटा पईआं ने, पहली बार लोगों इनवॉल्व किया कि वो अपने सीएम के चेहरे वास्ते रायशुमारी कर देन। एक ना कोई इलेक्शन कमीशन का कानून है कि जे किसी ने फोन देना तो इन्ने फोन आने जरूरी ने, नहीं तो फिर तुम सीएम डिकलेयर नहीं कर सकते। कल का दिन नवजोत सिद्धू मैनू लगे भी वो कोई होर कोई विशा है नहीं सी, चलो कहते भगवंत मान से बोल लें, अच वो अपने आप को डिकलेयर करा लैन। पहला उही कहिंदे सी इन्हां दा कौन है, और जिस तरह की लैंगुएज वरती जा रही है ना, ओए ओ फलानिया ओ तू पत्रकारां नूं भी तू तू करेगा तू करेगा कमो नहीं। सारे रिस्पैक्ट पालदे आ, इज्जत करवानी है तो इज्जत करनी सीखो। सो तू तड़ाक वाली जिहड़ी शब्दावली है वह भी गलत है। और सिद्धू साहब राहुल गांधी नू, प्रियंका जी नू, जा सोनिया जी नू कह के आपदा सर्वे आप करा आपकी पार्टी वालों, साड़ी पार्टी के इंटरनल मामलों में दखल ना देन। थोड़ा सवाल होगा कोई तुम्हारा देखो, जे कानूनी तौर पर इस वक्त एंटीसपेटरी रद्द होगी तो फिर कानूनी तौर पर तो उन्होंने जो कानूनी कार्रवाई वो मुताबिक तो गिरफ्तार करना बनता है। बाकी हुण किन्ना क इंटेलीजेंसियां जां पंजाब की सरकार जिहड़ी आ उन्हें इहनूं सीरियस लैंदी है। उन्होंने कांग्रेस पार्टी नूं मजीठिया दे गिरफ्तार होने नाल फायदा कादा फायदा होना है, वो तो आप इनवॉल्व ने। आप तो कहा चन्नी साहब ने कि कैप्टन साहब ने बादलों नाल मिलके केस खराब करता, ठीक है ना। सो आप तो कहा कि नकली शराब दी फैक्ट्रियां जिहड़ियां ने पटियाले वाले पासों चलदियां ने, और जिस वेले जिस दिन वह कैप्टन साहब रेता चैक करते सी ना हैलीकॉप्टर चों, तो उहदे कित्थे जांदे सी उन्हां नूं नहीं पता, कहिंदे मैं उधर नूं कितें जा रहा सी। मैं याद करा दिंदा जिहड़ा 150 बंदा जहरीली शराब पी के मर गया सी ना खड़ूर साहब हल्के च, उत्थे जा रहे सी ते नाम कि लग रहा सी उन्होंने MLA का,
हद है किवें भुल जांदे ने। मैनू हैरानी है, मैं गणा देना की करन गए सी पंजाब, चार पांच बार तो गए ने, करनी माता दे भोगते गए ने पटियाले। एक बार मानसा गए सी जिथे गुरदास मान जी का खाड़ा सीगा, किसानां नू शुरुआत करनी सी भी कर, ठीक है जी। एक दो अद्धी वारी लुधियाने गए ने, बस इधर नू तां जांदे ही नहीं सी, मैदानी हल इलाकियां नू, इधर नू जांदे सी पहाड़ी हलकियां नू। लोगों ने बिठाते करे फिर देखो गल ये है, इहदा पंजाब नाल कोई संबंध है? तुसीं मैनूं पंजाब दे इशू पुछो कोई के खजाने का की हाल है, बेरोजगारी का की करोगे, है ना। ये कि गल है कि सत्तर सत्त सौ अड़ताली सत्तर सत्त सौ अड़ताली जी इंडिपेंडेंट एजेंसी तो जांच हो, कोई कोई लोगों का पैसा लुट लिया सी? असी तो रोज़ सर्वे कराने, हर रोज़ कराने, साडे बहुत बड़े बड़े सैंपल होंगे ने। देखिए जो सुप्रीम कोर्ट का मान्य सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है वो अभी हमने पढ़ा नहीं है, लेकिन हम इलेक्शन कमीशन अगर हमसे पूछेगा हम एक एक चीज उनके सामने रख देंगे कि यहां से पैसा आएगा, यहां पर लगेगा, उसमें ना तो कर्जा लिया जाएगा, उसमें लोगों के टैक्स का पैसा ही लीकेज रोक कर लोगों को टैक्स इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में, बिजली के रूप में, अपना स्कूल और अस्पतालों के रूप में, सड़कों के रूप में वापस जाता है। हर सरकार यही करती है, सरकार लोगों से टैक्स लेती है और उसको लोगों पर ही दोबारा वापस देती है। तो हम अपना पूरा डाटा हम रख देंगे ईसी ने अगर मांगा। मैं यही तो कहा कि पहले क्यों नहीं दस्या उन्होंने, उन्होंने तो बिजली मंत्रालय ऑफर करता सीधा, मतलब पाकिस्तान के कहे थे बिजली मंत्रालय दिता सी, उन्होंने वालों तो मना नहीं किया गया, वो तो सिद्धू ने नहीं ज्वाइन किया, ठीक है ना। हाँ जी कांग्रेस पार्टी कह रही है जिन्हें सत्तर साल देश लुट लिया है। सो असी तो अपने पोस्टर ते प्यार दे सहारे ते जिद्दे आ, मेरे मूहरे केवल ढिल हों, मेरे मूहरे बजिंदर सिंगला सी, ठीक है ना, आप मोटरसाइकिल तेल पवा के साढ़े भवाकड़ मूहरे लगते हैं। सो असी मुहब्बत ते प्यार ना जिद्दे आ, ये पैसे ना जितने की कोशिश करते हैं पर नहीं जितया जाता। पंजाब के लोग बिल्कुल इन्ने क सतर्क हो गए कि वह पैसे नाल नहीं बिकते, वो किसी लालच दवा थले नहीं, उन्होंने इस बार झाड़ू फेरना है तो झाड़ू फेर